तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बात कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूले। टेक्स्ट मतलब कि जो टेक्स्ट के ऊपर चीज़ें होती है उसको किस तरह से हैंडल करें, और टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर आता है। जैसे कि हमने कैरेक्टर ए दिया और हम यहाँ पे एक कोड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ए का जो कोड है वो यहाँ दिखा देगा कि ए का कोड क्या है। ठीक है, ठीक है सर। उसी का अगर मैं यहाँ पे कैर दे दूँ, ये बता देगा इसका करेक्टर क्या है। राइट राइट तो सर, कोड फॉर्मूला आपको कोड शो करता है और कैर फॉर्मूला आपका कैर शो करता है। कोड फॉर्मूला कोड शो करता है एंड कैर फॉर्मूला आपको करेक्टर वापस करेक्टर शो कर देता है। अब इसका क्या यूज है हम थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि अगर कभी कभी क्या होता है, नेम में काफ़ी सारे इस तरह से टैक्स्ट जुड़ जाते हैं, जैसे कुमार, सुजीत कुमार, बहुत सारे स्पेसेस हैं। और इसी मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने, स्पेस दे के नाम दे दिया पूजा, या पूजा के बाद हमने दे दिया स्पेस, तो हमारे पास ट्रिम का फॉर्मूला है जो रिमूव करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं ट्रिम स्पेस को रिमूव करता है, नहीं, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अनवांटेड स्पेस जो आप देख रहे हैं ना, तो आपने देखा सुजीत और कुमार के बीच में कई सारे गैप थे, बट इसमें से सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सबको छोड़ दिया। ऐसे यहां देखिए, ऐसे यहां, यहां नीचे भी देखिए। ठीक है, तो ट्रिम फॉर्मूला अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अब मैं सुजीत कुमार, अब कुमार लिखने के लिए हमने ऑल्ट एंटर का प्रेस किया, ऑल्ट एंटर रैप टेक्स्ट का होता है ना, हमने रैप का, तो सुजीत कुमार लिखा। तो अब अगर इसको मैं ट्रिम करता हूं तो क्या होगा, अगर मैंने इसको ट्रिम किया तो यहाँ सुजीत कुमार दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। बट ये सुजीत कुमार जो है आपको देखने में तो लग रहा है, लेकिन जब इसकी लेंथ, जैसे एक लेन का फॉर्मूला, लेन का फॉर्मूला क्या करता है, जो भी करेक्टर आप लिखते हैं उसका लेंथ बताता है। अब यहाँ पे देखिए सुजीत कुमार को अगर आप मैनुअल काउंट करें तो क्या आएगा, 11, बट यहाँ पे 12 दिख रहा है, मतलब गलत है। एक टी और के बीच में एक हिडन करेक्टर है, टी और बीच के ए के बीच में क्या है, एक हिडन करेक्टर। ऐसे नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को रिमूव करने के लिए क्लियर का फॉर्मूला होता है। अब मैं इसमें लेन लगाता हूं, 11, तो क्लियर, जब भी आप ट्रिम लगाए तो क्लियर फॉर्मूला जरूर लगाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर का फॉर्मूला जरूर लगाए। अब बात करते हैं कि हमने जब क्लीप क्लियर लगाया तो सुजीत कुमार में स्पेस कुछ सेपरेटर तो है ही नहीं। मैं चाहता हूँ ये स्पेस सेपरेटर हो जाए, मतलब मैं चाहता हूँ किसी भी नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को स्पेस में पे रिमूव करने का, तो पहले आपको चीज सीखना होगा कि किसी भी करेक्टर को स्पेस से, किसी भी करेक्टर को स्पेस से रिमूव करने, किसी करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से रिप्लेस कैसे किया जाए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो डॉट है वो डैश बन जाए। हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला होता है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के अंदर में मैंने यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में डॉट डाल दिया और फिर यहाँ पे कर दिया डैश, तो जितने भी डॉट है वो डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉट किस में कन्वर्ट होगा, डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका डैश आपको दिख रहा है, दिख रहा है सर, जी सर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट के अंदर में क्या है कि यहाँ इंस्टेंस नंबर जो कि ऑप्शनल है, मतलब कि डालना जरूरी नहीं, अगर नहीं डालोगे तो जितने भी करेक्टर होंगे डॉट वो सब सारे डॉट को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो पहले को रिमूव करेगा, अगर मैं यहाँ 2 डालूंगा तो दूसरे को करेगा, 3 डालूंगा तो तीसरे को करेगा, समझे, और नहीं डालूंगा तो सबको कर देगा। जब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस।
इस रिप्लेस फॉर्मूला को भी पढ़ लें। रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि आपके इसके अंदर जैसे कि F2 के अंदर में कितने डिजिट से, तो मैंने बोला कि चौथे डिजिट से एक लेटर को स्पेस बना दो, तो रिप्लेस फॉर्मूला को इससे कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट है। ये चौथा नंबर करेक्टर पे जाएगा, वहां से एक करेक्टर को स्पेस बना देगा। अगर एक की जगह मैंने यहां पे दो दे दिया तो डैश और टू दोनों को बना देगा, डैश और थ्री सॉरी। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला एंड रिप्लेस फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया? जी जी, कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं नहीं सर, क्लियर है। अब इसमें आगे बात करते हैं। अब इसमें यहां पे आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऑल्ट एंटर को रिप्लेस करना है किससे? रैप टेक्स्ट का कैरेक्टर है ऑल्ट एंटर, उसको स्पेस से करना है। तो मैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला अगर लगाता हूं रिप्लेस करने के लिए, तो यहां मैं ऑल्ट एंटर कैसे डालू? इन्वर्टर को मैं ऑल्ट में डालूंगा तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा ना। तो हमारे पास ऊपर एक कैर एंड कोड का फॉर्मूला है, मतलब मैं किसी एक सेल पे F2 प्रेस करके ऑल्ट एंटर प्रेस करके एंटर मारूंगा। तो आप यहां देख पा रहे हैं यहां पे टाइप हो गया। अगर मैं यहां पे कोड का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा? कोड का फॉर्मूला हमें इस तरह के कोड में आ जाता है, मतलब कि उसका कोड 10 बता देता है। अगर मैं इसको कैर के अंदर में 10 डालूं, इसका मतलब है कि सेम फॉर्मूला होगा। हमने इसको इक्वल करके भी समझ लिया कि दोनों बराबर है, टाइप किया हुआ और कैर कहलाया हुआ। तो मैं यहाँ सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कैर 10 डालूंगा और यहाँ पे डालूंगा स्पेस और एंटर प्रेस करूंगा। आ गया सर? गॉट इट। तो ये कैर फॉर्मूला को हम और भी कई जगहों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। कोई डाउट इसमें? नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है सर। छोटे मोटे फॉर्मूले जान लेते हैं, जैसे कि मैंने नाम स्मॉल में लिखा है तो कैप्स में करने के लिए यहाँ पे अपर का फॉर्मूला होता upper. है, अपर को लोअर में करने के लिए लोअर का फॉर्मूला होता है, और एक होता है, एक हमारे पास upper. होता है प्रॉपर। प्रॉपर का फॉर्मूला प्रॉपर केस में करना है, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया सुजीत कुमार सिंह, तो हर लेटर को, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को बना करते हैं। ओके ओके सर। अब किसी भी नंबर, जैसे कुछ नंबर यहाँ पे लिखते हैं, अब किसी नंबर को या किसी टेक्स्ट को सेपरेट करने की बात आती है, तो सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया लेफ्ट का। लेफ्ट का फॉर्मूला हमने दिया कि 3 डिजिट अलग करो तो 3 डिजिट अलग कर। फिर राइट का फॉर्मूला है, इसमें से बोलेंगे राइट से 3 डिजिट अलग करो तो राइट से 3 डिजिट अलग कर देगा। और मिड का फॉर्मूला लगाएंगे और मिड को बोलेंगे कि 5वें नंबर से 3 लेटर को अलग करो तो 5वें लेटर से 3 लेटर को अलग करके 369 कर। लेकिन ये तो फिक्स हुआ, लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी, बहुत सारी ईमेल आईडी डाल रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि एट द रेट के हिसाब से आईडी अलग हो जाए और साइट अलग हो जाए। मैं चाहता हूँ यहाँ आईडी हो, यहाँ पे साइट हो। मैनुअल नहीं कर सकता, मैनुअल नंबर नहीं दे सकता, मतलब कि यहाँ मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ 5 दूंगा। अब ये 5 मैनुअल हो गया, और हर किसी में कुमार थोड़ी होगा, कहीं में सुजीत कुमार सिंह भी तो हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इस 5 को ऑटोमेट करने के लिए फाइंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। फाइंड के फॉर्मूले में मैं बोलूंगा यहाँ पे एट द रेट, कि एट द रेट को इसमें पहले से ओके कॉमा, गलती से एक कॉमा लगा हुआ है।
अगर वो एट द रेट मिल गया तो नंबर देगा, नंबर क्या देगा कि एट द रेट का पोजीशन क्या है, तो छठे नंबर पे पोजीशन है। तो जो हमने पांच मैनुअल लिखे थे इस पांच को हटा के 6-1 कर देते हैं, आ गया। ऐसे हम यहाँ राइट का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और मुझे राइट सेलेक्ट करना है। देखिए मेरे पास राइट है कुछ तो है नहीं, तो मेरे पास है लेंथ, मतलब कि पूरा लेंथ कितना है, और उसमें से हमने 6 को माइनस कर दिया है, उसमें से एट द रेट आई पी टी इंडिया हटा दो, क्या बचेगा, आई पी टी इंडिया डॉट कॉम भी लेंथ बचेगा ना सर जी। आ गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी कुछ भी हो एट द रेट के बिहाव से दोनों को सेपरेट करेंगे, समझे। तो फाइंड फॉर्मूला मैंने बताया, ऐसी सर्च फॉर्मूला होता है, दोनों एक जैसे लगते हैं, एक जैसे रिजल्ट देते हैं। डिफरेंस ये होता है कि फाइंड फॉर्मूले केस सेंसिटिव होता है, बड़े छोटे का फर्क रखता है, सर्च नहीं रखता है। ठीक है, ठीक है सर। डाउट इज मैं नहीं, नहीं क्लियर है सर। चलो आगे बढ़े जी, बिल्कुल। अब सेपरेट तो कर लिया, अब ज्वाइन की बारी आती है। जैसे मेरा नाम ही लिखिए सुजीत और कुमार, मैंने अलग अलग दे रखे हैं, मुझे ज्वाइन करना एक्सेल पे, तो इसके लिए कई फॉर्मूले हैं। एक कॉन्केट का फॉर्मूला है, इसको सेलेक्ट कीजिए कॉन्केट, इसको पूरे रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह से हुआ, या फिर कॉन्केटा नेट लगा सकते हैं, जो पुराना फॉर्मूला है कॉन्केटा नेट। फर्स्ट नेम और बीच में स्पेस दे दीजिए सेपरेटर के लिए, और सेकेंड, या फिर एन परसेंट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये एन स्पेस और एन ज्वाइन। लेकिन अगर कोई नेम कोई ये हुआ डेट हुआ, जैसे मैंने ये डेट आज की डेट हम डाल देते हैं। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ देता हूँ कि फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम स्पेस और हमने एन परसेंट लगा के इसको सेलेक्ट कर लिया, देन एन परसेंट टू एंड एन परसेंट दे दिया, तो डेट क्या हुआ, फिर डेट नहीं आएगा वो नंबर्स आएंगे सर टेक्स्ट के साथ कर लेंगे। हाँ, तो इसके लिए मुझे क्या होगा कि इसको टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर डालना होगा, ठीक है। ठीक है सर, टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर डालेंगे, आ गया सर। चलिए, लेकिन आपके पास अगर एक लिस्ट ऑफ नेम है और उसको ज्वाइन करना है, तो कॉन्केटनेट और एन परसेंट इस पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक एक सेल बाई सेल और ज़्यादा नाम हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट एक्सेल में दो फॉर्मूले आए हैं, एक है हमारा कॉन्केट का फॉर्मूला। कॉन्केट फॉर्मूला क्या करता है आपके सामने, सबको करता है, बट इसमें कोई सेपरेटर नहीं देता है। आपको सेपरेटर चाहिए तो आपको टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, और इसमें हमने ट्रू दे दिया और यहाँ हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट। अब समझिए टेक्स्ट ज्वाइन में क्या है, पहले डिलिमिटर, क्या आपको गैप क्या देना है, दोनों के बीच में क्या सेपरेटर देना है, ट्रू ब्लैंक को स्किप करना है या रखना है, स्किप करना है, और ये आपके सामने आपका एरिया दे दीजिए टेक्स्ट में, टेक्स्ट टू सबको ज्वाइन करके यहाँ पर, राइट सर। राइट सर, चलिए तो आप क्या करें इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। सर ये 2013 में भी होगा क्या? नहीं नहीं